है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। बलिया, महाब्राह्मण समाज ने सभी पार्टियों को दी चुनौती, किया आगाह। यूपी के बलिया में अखिल भारतीय महाब्राह्मण उत्थान सम्मेलन में महाब्राह्मण समाज लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा को दी चुनौती, किया आगाह। साथ ही कहा, हम ब्राह्मण नहीं महाब्राह्मण हैं और पूरे भारत में हमारे समाज के 7% लोग हैं जिसको चाहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर 2022 के चुनाव में हमारे महाब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं मिला तो हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग भी अब चुप नहीं बैठेंगे। अपना हक और सम्मान के लिए हम लोग राजधानी लखनऊ में हुंकार रैली निकाल कर धरना देंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। जे अखिल भारतीय महाब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष टुनटुन पांडे बोल रहे हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम है? महाब्राह्मण उत्थान को लेकर कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है जी। पहले तो राजनीतिक दलों वालों को हम सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि अब तक जो छला गया महाब्राह्मण को, अब महाब्राह्मण छले जाने वाला नहीं है, अब महाब्राह्मण समझ चुका है। तो राजनीतिक दल वाले आज ध्यान दे दें, आज इसी मंच से महाब्राह्मण समाज ऐलान करने जा रहा है कि अगर महाब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिला तो इस सम्मान के लिए चाहे वो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी पड़े, महाब्राह्मण इसके लिए पीछे नहीं हटेगा। कोई भी पार्टी आए, हमको सम्मान दे, महाब्राह्मण समाज को सम्मान दे, महाब्राह्मण समाज उसके। आज हम सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि महाब्राह्मण भी अब सामने आ गया है। अगर कोई भी, अगर इसके लिए महाब्राह्मण को पार्टी भी बनानी पड़ी तो पार्टी बना के 2022 में चुनाव लड़ाएगा। ध्रुव तिवारी, अखिल भारतीय महाब्राह्मण समाज, जिला महासचिव हूँ। महाब्राह्मण उत्थान का कार्यक्रम रखे हैं जिसमें हम लोग का मांग है सरकार संरक्षण। हमारे भी समाज में बहुत दबे कुचले लोग हैं, हमें भी आरक्षण का जरूरत है। अगर जो सरकार मुझे आरक्षण देती है मैं उनके साथ रहूंगा, नहीं तो हम लोग के द्वारा पार्टी बनाकर और 402 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पांडे, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय महाब्राह्मण संघ और कार्यक्रम के संयोजक। ये हम लोग चाहते थे कि जिले भर के जितने भी हमारे स्वजाति भाई लोग हैं एक बार आपस में बैठें, बात करें और कहाँ क्या करना है इसके लिए डिसीजन लें। समाज ने हमको उपेक्षित समझा है, लेकिन फिर भी हम लोग भी समाज में हर जगह स्थापित हो चुके हैं। हम लोग के परिवार में भी DM, SP, JEE, इंजीनियर सभी लोग हैं, डॉक्टर, राजनीति करने वाले हर प्रकार के लोग मौजूद हैं।